मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? हम लोगों ने एडिशंस देखे थे, ठीक है, थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी प्रॉब्लम्स. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे वो बहुत अच्छे से, एंड आपको लैंग्वेज लिखी और उनके आंसर फाइंड आउट करने थे. ठीक है, आज क्या करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे एस्टिमेटिंग द सम. क्या करेंगे स्टडी? एस्टिमेटिंग द सम मतलब कि आपको एक दो नंबर दिए होंगे, ठीक है, आपको दो नंबर दिए होंगे ऐड करने के लिए. ठीक है, आपको दो नंबर ऐड करने के लिए दिए होंगे. एस्टिमेटिंग का मतलब कि या तो आपको उसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके ऐड करना होगा फिर, ठीक है, या फिर मतलब उसके जो वेरी क्लोज आता है, ठीक है, उसके जो वेरी क्लोज आता है ना उसमें आपको ऐड करके करना है. ठीक है, देखते हैं, देखो कैसे करते हैं. ठीक है, कन्वर्ट करना है एस्टिमेटिंग में, कन्वर्ट करना है एंड सॉल्व करना है. कन्वर्ट एंड सॉल्व. ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 में फाइंड करना है, मतलब ये जो डिजिट्स है ना, पहले इनको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है, देन इनका सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, ऑल्सो कंपेयर देयर सम विद द एक्चुअल सम, और फिर उनका जो सम होगा, कौन सा जो एस्टिमेटेड सम होगा ना, उनको फिर जो एक्चुअल सम मतलब ये जो डिजिट्स एक्चुअल में जो डिजिट्स होंगी ना, उनको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है. सो कैसे करेंगे? फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या है? 4316 + 1284. ठीक है, इसका सम फाइंड आउट करना है, प्लस इसका नियरेस्ट 10 का फाइंड आउट करना है. नियरेस्ट 10 क्या होगा इसका? 4320 + 1280. यही होगा ना इसका नियरेस्ट 10. एक बार चेकआउट करो, 6 इज ग्रेटर देन 5, अगली डिजिट के पास चला जाएगा. 4 इज स्मॉलर देन 5, तो ये पिछले वाली जो नियरेस्ट होगी मतलब जो 80 होगा उसके पास आएगा. ठीक है, राउंडिंग ऑफ फिगर में इस तरह से लिखेंगे. सो फाइंड आउट करते हैं, 6 + 4 10, 0, 1 कैरिंग ओवर. ठीक है, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 0 1 कैरिंग. ओके, 1 कैरिंग, देन 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 2 4 + 2 6. ओके, सो 6, देन 4 + 1 4 + 1 5. आंसर आया ना? जो एक्चुअल सम है ये कौन सा है? एक्चुअल सम. ठीक है, ये होगा एस्टिमेटेड सम. एस्टिमेटेड सम कैसे सॉल्व करेंगे? 0 + 0 0. ओके, 8 + 2 8 + 2 10, 0 1 कैरिंग. ठीक है, 8 + 2 0 1 कैरिंग, 3 + 1 4 4 + 2 3 + 1 4 4 + 2 6. ओके, देन 4 + 1 5 4 + 1 5. कंपैरिजन में दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. ठीक है, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. क्या किया हमने? 16 को अगर हम नियरेस्ट नंबर में लिखते हैं,
ठीक है, नियरेस्ट टेंस, तो 20, 84 को लिखते हैं तो 80, ठीक है, एंड इट्स आर आंसर। सो इस तरह से आपको बी सी एंड डी सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको बी सी एंड डी सॉल्व करने हैं। यहाँ फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 100, ऑल्सो कंपेयर देयर सम विद द एक्चुअल सम, सेम एज इट इज, ये भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, इनको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके ऐड करना है प्लस एक्चुअल सम करना है, इनको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, ठीक है, देन सम करना है और एक्चुअल सम करना है, ठीक है, इनको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है प्लस एक्चुअल सम करना है, ठीक है, प्लस एक्चुअल सम करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ताजमहल इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स वर दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली, मतलब ताजमहल में जो 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली इतने विजिटर्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इतने विजिटर्स एंड थर्ड ईयर इतने विजिटर्स हैं, ठीक है, देन एस्टिमेट द टोटल टूरिस्ट ड्यूरिंग द 3 ईयर नियरेस्ट टू 1000। क्या करना है कि इन जो 3 ईयर्स के ड्यूरिंग, इन जो 3 ईयर्स का जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड था, इन तीनों को आपको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करके, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करके, और क्या करना है, इनको सॉल्व करना है एक्चुअल नहीं करना बेटा, इसमें ओनली आपको एस्टिमेटेड सम करना है, ठीक है, एस्टिमेटेड सम करना है। कैसे एस्टिमेटेड सम कैसे करोगे, पहले इनको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करोगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था ना चैप्टर नंबर 1 में राउंडिंग ऑफ नंबर्स में किया था, ठीक है, उस तरह से थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करके ऐड करना है, ठीक है। सेकेंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, रीड करके देखते हैं कि इन विधानसभा इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट इतने वोट्स, ठीक है, जो एक विधानसभा जो इलेक्शंस हुए उनमें कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले, 223,470 वोट्स, ठीक है, कैंडिडेट बी गॉट 37,340 वोट्स, ठीक है, एंड कैंडिडेट सी गॉट 54,757 वोट्स, ठीक है। सो एस्टिमेट द टोटल वोट्स दे गॉट नियर टू 100, इसमें क्या किया था हमने, नियर टू 1000 किया था, इसमें क्या करेंगे, नियर टू 100, इन सबको नियर टू 100, जो ये 3 जो डिजिट्स है ना, इनको नियरेस्ट जो 100s है, नियरेस्ट 100s में कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करके इनको ऐड कर देंगे। बेटा बहुत इजी है, इन तीन में क्या करना है, पहले एक्चुअल सम करना है और इसमें नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके करना है, इसमें नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करके करना है, और इसमें नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करके भी ऐड करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करके ऐड करना है, और इसमें नियरेस्ट 100 में ऐड करके और ऐड करना है, ठीक है, बहुत इजी है, सॉल्व करके देखना, रफ नोटबुक में आप सॉल्व करना, ट्राई करना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आते तो पूछ लेना, और कहीं डाउट होता है तो भी पूछ लेना, लेकिन एक बार सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो ओके, बाय।